जिला अहमदपुर के गांव कोठी की हरजन बस्ती को जाने वाले रास्ते पर ग्रामीणों द्वारा रोके जाने पर ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है। डीसी से मिलने आए हुए प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पंचायत प्रधान की मिलीभगत के चलते आज दिन तक रास्ते के निर्माण के लिए आए हुए पैसे भी नहीं लग पाए हैं। वहीं बीमारी की हालत में लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बीडीओ से मिलकर भी रास्ते को खुलवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि रास्ते के लिए पूर्व सीएम धूमल के द्वारा दिसंबर 2017 में 1.5 लाख रुपए की स्वीकृत किया गया था, लेकिन पंचायत प्रधान की मिलीभगती के चलते ग्रांट रास्ते पर नहीं लग पाई है। हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारे गांव में जो रास्ता है वो कहीं से 10 फुट है, कहीं से 12 फुट है, कहीं से 20 फुट है। उसके बीच में इनक्रोचमेंट की हुई है और उस रास्ते को ग्रांट धूमल साहब ने सैंक्शन की हुई है, लेकिन कुछ एक आदमी है वो उस काम को होने नहीं देते हैं। रास्ते की प्रॉब्लम है, हम ग्राम पंचायत रूपा से आए हैं। हरिजन बस्ती के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता जो है वो जोड़ा सरकारी रास्ता है, बनना चाहिए। मतलब ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी रास्ते के ऊपर कुछ ग्रामीणों ने कब्जा किया हुआ है और कांटे वगैरह रखे हुए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकारी रास्ते को बनाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। ग्राम पंचायत रोपा गांव कोठी का ये मामला है, जो कि धूमल साहब ने हमें ग्रांट दी थी, 1.5 साल हो गया उसको, एक ग्राम पंचायत रोपा जो है सहयोग नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो रास्ता जो है वो रुका हुआ है। ये रास्ता जो है वो हमें ट्रैक्टर के लिए, छोटी गाड़ी के लिए, शमशान घाट जाने के लिए चाहिए, जिसकी वजह से हम ये जो है प्रशासन से जो है मदद लेना चाह रहे हैं। नीचे हरिजन बस्ती, और नीचे हरिजन बस्ती है, उनको इतनी तकलीफ है कि उनके बच्चे बीमार हो जाएं तो उनको सिर के ऊपर उठाकर और हाथों में लेकर के उनको आना पड़ता है, ताकि उनको भी वो सहूलत मिलनी चाहिए। हमें डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया और साथ ही बीडीओ साहब और कानगो साहब को, तहसीलदार साहब को ऑर्डर उन्होंने दे दिए। अभी जस्ट मौके के ऊपर हम भी चले गए हैं और साथ साथ हम भी जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि अगर कोई ग्रामीण बीमार हो जाए तो कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बंद किए जाने पर परेशानी होती है और गाड़ियां घर तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने बताया कि बार बार आश्वासन ही दिए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष है। ग्राम पंचायत रोपा गांव कोठी का मामला है। ये सड़क का हमारा जो रास्ता है वो बंद है, हम चाहते हैं कि वो खुला हो जाए। वो सरकारी है, पूरी जो भूमि है वो सरकारी है। वहाँ पे डंगे लगा रखे हैं, कईयों ने बाड़े लगा रखी है, वो अपनी बाड़े नहीं उठा रहे हैं। हमें सिर्फ ट्रैक्टर और गाड़ी, छोटी गाड़ी के लिए रास्ता चाहिए। हमारा जाता है, हमारी जो खेती बाड़ी का जो है वो ही रास्ता जाता है। हमें ट्रैक्टर के लिए और छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता चाहिए।